दिस इज मनीष सिंह, योर ग्रोथ पार्टनर। एंड आज बारी है फिफ्थ पेनी स्टॉक की, फिफ्थ डे। सो आज का स्टॉक है विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, सो ये एक सोलन बेस्ड कंपनी है, सोलन में है ये। एंड लगभग 172 करोड़ का इसका लगभग टर्नओवर है। इसका अगर बीटा देखें तो 0.48 है, मतलब निफ्टी 1 रुपये ऊपर जाती है तो ये लगभग आधा परसेंट ऊपर जाता है, 1% अगर निफ्टी ऊपर गई है तो। ओवरऑल कंपनी ठीक है, EPS 68 का है, एक शेयर खरीदने पे 68 रुपीज़ तक रिटर्न देती है। एंड बुक वैल्यू 0.84x है, मतलब बहुत ही सस्ता है अभी बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम इसको देखें। EPS एंड प्राइस की अगर हम स्ट्रेंथ देखें, सो मतलब कंसिस्टेंट नीचे आता गया है, नीचे आता गया है, इसीलिए आज ये पैनी हो चुका है। नहीं तो एक टाइम पे बहुत ही अच्छा स्टॉक था, लेकिन टर्न अराउंड हुआ है इसमें, टर्न अराउंड हुआ है, टर्न अराउंड का पोटेंशियल भी है अगर आप इस स्टॉक को देखें। सो सिंस दिसंबर 2022 चल रहा है, उस टाइम पे ये लगभग ट्रेड कर रहा था 12 रुपीज़ पे, 12 रुपीज़ का स्टॉक था। और आज जो है वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 80K+, 87 रुपीज़। जब भी ये ट्रेड कर रहा है तो आप देखें एक प्रॉपर पैटर्न फॉर्म करते जा रहा है, मतलब हायर हाइस बनाते जा रहा है, ये हायर हाइस कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाते जा रहा है। एंड हर बार ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और फिर एक नया हाई बनाता है। सो टेक्निकली चार्ट बुलिश पैटर्न फॉर्म में है, ऊपर जाने के लिए है। वैल्यूएशन वाइज ये एक अफोर्डेबल स्टॉक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, स्विमिंग, वीविंग, डाइंग, ऑर्गेनिक डाइंग पे है बेसिकली ये कंपनी। सो जिसकी डिमांड भी ज़्यादा है, गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स भी काफ़ी सारी आ रही हैं इस समय। सो अगर हम प्रमोटर का स्टेक देखें इस कंपनी का, सो कंसिस्टेंट सेम रहा है, 55.69%। FPI भी सेम रही, मतलब उनका ट्रस्ट कम नहीं रहा है, जो लॉसेस भी हुए हैं कंपनी के उसके बाद भी कम नहीं रहा है। इंडिविजुअल्स के स्टेक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है एंड बाकी सब अदर्स का है। सो वो इंटरनल डीलिंग्स चलती रहती हैं। की मैट्रिक्स में आए, इस सेक्टर का जो PE है, सेक्टर का PE 37 है, लेकिन जो हमें कंपनी है वो 12 के PE मल्टीपल पे मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू से 1 का है, मतलब लगभग एक फ्री में कंपनी मिल रही है इस तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें। सो प्राइस सेक्टर, क्योंकि सेक्टर की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 5 की, जो प्राइस चल रहे हैं बुक वैल्यू के हिसाब से 5 times चल रहे हैं, लेकिन हमें 1 time पे मिल रही है। इसका डिविडेंड में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, डिविडेंड कम देती है कंपनी, क्लियर बताएं हम। सेक्टर का डिविडेंड भी इस सेक्टर में ही डिविडेंड नहीं है अगर आप देखें तो। सो की मैट्रिक्स में अगर आप जा रहे हैं तो एक अफोर्डेबल कंपनी है, टेक्निकली चार्ट बुलिश है, कंपनी अफोर्डेबल है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। सो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आज फिफ्थ डे एक अफोर्डेबल वैल्यूएशन वाली कंपनी जिसके पे टर्न अराउंड पोटेंशियल है, उस पर एक मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न पाइए। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके या डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल टाइम।